होनहार पर्सनालिटी से मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगी और उनके बारे में मैं इतना कहूंगी कि वो भी एक आइकॉन है, एक रियल ह्यूमन बीइंग की जो डेफिनेशन होती है वो इन पर पूरी फिट बैठती है। तो आइए लेकर के चलती हूँ मैं आपको हिमांशु जी के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए हमें यहाँ मौजूद है अगर आपकी इजाजत हो तो। आप बेसिकली क्या अथॉरिटी से ही बिलोंग करते हैं जी? आपका बर्थ प्लेस यहाँ है? जी मेरा बर्थ प्लेस एक्चुअली अलीगढ़ है, लेकिन बेसिकली मैं अथॉरिटी से। और आपकी स्कूलिंग, पढ़ाई, ग्रेजुएशन? मेरी स्कूलिंग मेरी अलीगढ़ से ही मेरी थी, और ऐसा कोई स्कूल नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। सारे स्कूल्स मैंने अलीगढ़ में जो भी थे, सबसे पहले जो मैं गया अलीगढ़ में महर्षि विद्या मंदिर था, तो महर्षि विद्या मंदिर से मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई। उसके बाद सारी जाकिर हो गया, निहार हो गया, फिटनेस हो गया, लास्ट मैंने फिटनेस में किया था। तो कोई स्कूल ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा, सारे स्कूल्स मैंने पढ़ा, कहीं एक साल कहीं दो साल। और ग्रेजुएशन जो मेरी वो रही मेरी अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं शारदा चला गया एंटेक, वहाँ फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट की। जी अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली बहुत बड़ी है एक्चुअली, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और आज भी मेरी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। मेरे ताऊ जी, चाचा, मेरे बुआ, सारे हमारे साथ रहते हैं हम सब। और मैं अपने फादर के, मैं तो अकेला था, लेकिन मेरे ताऊ जी के जो बच्चे थे, मेरी वो भी बहनें रहीं, मेरे भाई हैं एक बड़े एक मेरे से छोटा है, उन ताऊ जी के बच्चे थे, तो हम सब साथ में रहे। बहुत अच्छा टाइम हमने साथ में गुजारा है और अब भी हम गुजार रहे हैं। आप सोशल वर्क की तरफ कब मुड़ गए, कब वो टर्निंग पॉइंट आया, मुझे वो जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली आफ्टर 12 जब मैं इंजीनियरिंग में गया एडमिशन के टाइम, तो बस मेरा बर्थडे था, हम आगरा हम गए हुए थे, तीन चार दोस्त थे हम, तो हम जैसे ही यहाँ से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके हम बाहर निकल रहे थे, कुछ बच्चों को हमने देखा कि वो कूड़े से खाना खा रहे थे। बीच तो हमें बड़ा ख़राब लगा कि भाई हम एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे माहौल में रह रहे हैं और उन बच्चों को खाना तक नहीं, तो वो हमें एक अंदर बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। और हमने उस दिन चारों ने, चार लोग थे हम, उन चारों ने एक ये डिसीजन लिया कि एक ऐसा कुछ हम करेंगे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे जिससे कि हम सोसाइटी के लिए या जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं उन सब के लिए हम कुछ कर पाए। तो वहाँ से एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म कह सकता हूँ मैं तैयार हुआ और हमने सोशल वर्क करना शुरू किया। जी बहुत ही अच्छी सोच है सर, इससे हमें ये पता चल रहा है आप दिल के कितने अच्छे हैं, साथ ही साथ मुझे ये पता चला है कि आप नेचर से बहुत प्यार करते हैं, तो उसमें क्या स्टोरी है? देखिए नेचर से मेरा लगाव शुरू से रहा, लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, किसी को किसी चीज़ का शौक है, कोई किसी का दीवाना होता है, किसी को किसी चीज़ का जुनून होता है। तो मेरा जुनून जो उसे रहा वो नेचर के लिए रहा। मेरे घर के सामने भी प्लॉट्स पड़े हुए थे खाली, तो जैसे मैं जब थोड़ा पड़ा हुआ तो मुझे बचपन से बड़ा शौक रहा मेरे, क्योंकि मेरे जो फोर फादर्स थे वो भी लैंड लॉर्ड्स थे, तो हमारे पास अभी काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड और फूल गार्डन ऑर्चर्ड्स हैं हमारे पास, तो उस रूप से मैंने वो माहौल अपने घर में देखा। तो फिर मैंने जब मैंने वो देखा तो मैंने सोचा कि हाँ भाई नेचर है तो सब कुछ है, उससे हमें प्यार तो करना ही चाहिए और साथ में उसको सेव भी करना है कि भाई किस तरह से हम पौधे लगा सकते हैं या उनको ठीक रख सकते हैं। तो वो जो हमारे खाली प्लॉट्स पड़े थे तो उसको हमने पूरा, मैंने उसको एक गार्डन में कन्वर्ट कर दिया और आज वो काफ़ी यहाँ पे एक अच्छा माहौल रहता है, लोग भी आते हैं बैठते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहेंगे हिमांशु जी हमारे साथ, नेक्स्ट ब्रेक अप। सर एक्सपीरियंस लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कुछ सिखा जाती है और आपने छोटी उम्र में इतना सब कुछ करके दिखा दिया है लोगों को कि आपको इतने अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो एक वो मेमोरी या ऐसा कुछ काम जो आपके हमेशा एंड तक दिमाग में रहेगा वो क्या? एक्चुअली मैं कहूँ बहुत सारी जिंदगी अभी मैंने जी ली, तो नहीं बहुत छोटी मेरी उम्र है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी जगह घूमा हूँ। और अपने इंजीनियरिंग टाइम में मैंने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि मैं पढ़ाई कम करता था, घूमता जाता था, जो जनरली जितने भी बड़ी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में फेस्ट होते थे तो मैं उनको अटेंड करता था, तो मेरी टीम मेरे साथ रहती थी, तो मैंने बहुत चीज़ें करीब से देखी हैं। और जनरली ये देखा है कि हाँ कैसे हमारे यहाँ जो चीज़ें नहीं है वो बाहर क्या क्या होता है, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आफ्टर इंजीनियरिंग जब मैं यहाँ आया और सोशल वर्क की तरफ मेरा रुझान एक बढ़ा, तो मुझे वो मेरा फील्ड था, मुझे मज़ा आता था जॉब में, मुझे वो मज़ा नहीं आता था, ऐसा एकदम उठता था मेरा। जब एजेंट मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया, 6 महीने मैंने वो जॉब किया, तो मुझे लगता था कि यार मुझे किसी ने बंद करके रख दिया, तो वो मज़ा ही नहीं आता था। उसके बाद फिर मैं उसको ख़त्म करके यहाँ आ गया, तो जो मेरा फील्ड था मैं वापस आ गया, मुझे लगता था मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। तो उसके लिए शायद एक साल हो पाया था, 2014 में इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के बाद एक साल मैंने सोशल वर्क किया,
तो विवेक बंसल जी ने यूथ डे था, तो यूथ डे पे मुझे और मेरी टीम को सम्मानित करने के लिए सबसे पहले उनसे ही मुझे अवार्ड मिला था कि भाई तुम एक अच्छा वर्क कर रहे हो सोसाइटी में, कुछ चेंज लाने के लिए यूथ हो, तुमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो अच्छी काम कर रहे हो। तो वो मोमेंट मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि एक बिना पढ़ने वाला बच्चा हुआ करता था, जो उसके टीचर्स उसके जो भी गुरुजन होते थे उसे डांटते रहते थे, बोले तो पढ़ते नहीं हो घूमते जाता हो। तो वो मेरे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट था कि यार आज मुझे कोई अवार्ड दे रहा है, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा वहाँ पर। तो वो मोमेंट मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाया हूँ, और ना शायद मैं उसे भूल भी नहीं पाऊंगा, चाहे मुझे कितनी अवार्ड मेरी उसमें जुड़ जाए, लेकिन उस मोमेंट को। और एक चीज मैंने भी बहुत सुनी थी, स्पैरो का जो एक हुआ था, वो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। स्पैरो की जैसे आपने बात की, तो स्पैरो के लिए हमने 2006 में एक कैंपेनिंग हमने शुरू की थी, क्योंकि स्पैरो खत्म हो रही थी। तो स्पैरो एक हमारी घर की चिड़िया, हम उसको कह सकते हैं, जो जनरली आपने बचपन में आपने देखा होगा कि वो हमारे घर में हमारे साथ रहती थी, क्योंकि घर छोटे होते थे। आज कंक्रीट आ गया चारों तरफ, आज हमारे फॉरेस्ट और जो भी है हरियाली हमारी खत्म होती जा रही है, तो वो भी चली गई। जब उनके हमने नेचुरल हाउसेज होते हैं, हमने उनके छीन लिए, तो वो चली ही जाएगी। तो जब जैसा मैंने अभी आपको बताया मेरे घर के आगे प्लॉट्स थे, तो उनमें हमने गार्डन बनाया, तो जब छोटे छोटे हमने पौधे लगाए वहाँ, और फिर उनके साथ हमने एक हैंडमेड उनके घर लगाए थे जिसको हम घोंसला बोलते थे। वो एक तो खुद वो स्पैरो बनाती है, वो हमने लकड़ी के बनवाए थे, तो वो हमने उसमें लगाए, तो हमने देखा कहीं ना कहीं उसके साथ वो अट्रैक्ट होके वो स्पैरो वापस आ गई। तो स्पैरो आई उसमें, कुछ दिन रहती थी, वो चली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे पौधों ने बड़े पेड़ों का रूप लिया, तो उसमें वो अपने नेचुरल हाउसेज उनके वापस आ गए, और उन्होंने अपने खुद के घोंसले वहाँ बनाने शुरू कर दिए। और आज मैं बड़े उसके साथ घर के साथ इस चीज़ को कह सकता हूँ कि स्पैरो अगर आपको कहीं देखनी है, तो इंडिया में बड़ी कम हो गई है और 1-2% रह गई है, और गवर्नमेंट भी उसके लिए लगी हुई है कि कैसे हम उसको बचाएं। तो आप मेरे यहाँ उसको देख सकते हैं, सुबह अगर मेरी होती है तो उसकी आवाज़ के साथ होती है, और शाम बाहर से भी लोग उसको आजकल देखने आते हैं कि भाई स्पैरो जो खत्म हो चुकी है वो यहाँ है। तो वो झुंड के झुंड आते हैं और वो खाना भी वहाँ खाते हैं, मैं रोटियाँ उनको दाना डालता हूँ सुबह, क्योंकि सुबह मेरा काम यही होता है, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं उनका पानी रखता हूँ, उनको रोटी डालना जो भी डालना होता है, उसके बाद अगर आगे के काम है। तो वो उनसे मेरे बड़ा लगाव है, उनकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उनकी आवाज़ के साथ ही मैं। तो ये एक कहानी है। अगर मैं आइडल्स और आदर्शों की बात करूं, तो हिमांशु जी के आदर्श कौन है? देखिए हर किसी के अपने एक आदर्श होते हैं, मेरे फादर मेरे आदर्श हैं, तो फादर से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे ताऊ जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर सोशल वर्क में कहीं ना कहीं आया, तो मैं अपने ताऊ जी के सानिध्य में रह गया, क्योंकि वो भी अपने टाइम में बड़े सोशल वर्कर हुआ करते थे। आज अपना कोचिंग सेंटर है उनका, बड़े काफ़ी उनके तादाद में बच्चे आते हैं, और हर साल हजारों की तादाद में बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, और वो वापस उनके पास आते हैं कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन पे। तो उनसे मैंने सीखा कि लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया, और अगर उसके बाद अगर मेरी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन मेरा रहा है, तो वो विवेक बंसल जी का नाम मैं लेना चाहूँगा। बचपन से उनके टच में रहा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक आम आदमी तक आप कैसे जा सकते, हर आदमी के लिए आप कैसे खड़े रह सकते हैं, उस तक आपकी पहुंच कैसे हो सकती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, आप MLA हो जाएं, MP हो जाएं, कितनी बड़ी अथॉरिटी क्यों ना बन जाएं, लेकिन अगर आप आम आदमी से जुड़े रहेंगे, तो दिलों में जगह बनाना बड़ी टफ चीज़ है। प्रगति जी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आप जनरली पैसा कमा सकते हैं, आप बड़ी पोजिशन पर जा सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के दिल में अगर आप जगह बना देते हैं, तो आप सब कुछ मान जाते हैं। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी, लोगों की हेल्प करना मैंने उनसे सीखा। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी की, तो हिमांशु जी का जो इंटरेस्ट है दोनों में से कौन सी, आई होप दोनों में होगा, बट फॉर्मेलिटी के लिए बता दीजिए। नहीं नहीं, मेरा क्रिएटिविटी में मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा, स्पोर्ट्स में मेरा उतना नहीं रहा। बैडमिंटन में प्लेयर रहा, बैडमिंटन अभी बहुत अच्छा खेलता हूँ, वो भी मैं चाचू से ही सीखा, और स्कूल के टाइम में बहुत खेलता था, कॉलेज में भी मैंने बहुत खेला बैडमिंटन, अभी तो सोशल वर्क के उसमें इतना टाइम मेरे पास नहीं रह पाता है कि मैं वो खेल पाऊँ। हाँ, क्रिएटिविटी की बात करूँगा, तो नई नई चीज़ करना मुझे बड़ी पसंद, नई आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ मैं चाहता हूँ कि मैं लेके आऊँ और लोगों को पसंद आए, तो नई नई चीज़ें मैं करता भी रहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी में, किस तरह के हम चेंज कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने अपना NGO भी बनाया युवा पहल के नाम से, तो उसका एक ही मोटो था कि हम सोसाइटी में चेंज करेंगे, विनिंग फॉर चेंज, एक शुरुआत बदलाव के लिए, कि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में बदलाव। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और साफ इंसान, साफ दिल वाले इंसान के साथ मैं आज बैठी हूँ, इतनी पॉजिटिविटी मुझे मिल रही है। लेट्स टेक अनदर ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात करते हैं। सर, नेक्स्ट सवाल जो मेरा है वो है, आई डोंट नो, फूड
थोड़ा फनी लग रहा है मुझे आगे पूछने, लेकिन अगर मैं खाने पीने के बारे में बात करूं तो खाने पीने में क्या पसंद है? जनरली मैं वेजिटेरियन हूं, फूडी उतना नहीं कह सकते कि मैं फूडी हूं। खाना मुझे जनरली बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है, घर का मुझे मैं खाना बहुत पसंद है, जो घर फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है, फ्रूट्स आप मुझे कैसे भी दे दी वो मैं बहुत खाता हूँ, फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है बेहद, जिसको आप कह सकते हो, और ज्यादा ही फूडी नहीं, सिंपल खाना। हाँ सिंपल, मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, जंक फूड मुझे बहुत खराब लगता है, जंक फूड मैं नहीं खाता। जी जी, सादा रोटी और चार वाला साथ है आपका आयुष। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि यूथ, जैसे कि आप देख रहे हैं टैलेंट से भरपूर है हमारा यूपी स्पेशली, इतने बड़े बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन से लेकर सब लोग यहीं से हैं, तो एक वो पॉइंट नहीं आ पाता जब लोगों को वो सही राय मिल पाए, तो मैसेज आपका जो होगा यूथ के प्रति वो क्या? ऐसा है तो टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं, अलीगढ़ की बात ही करूँ तो अलीगढ़ में भी अभी हम देखेंगे तो एक से एक महारथी अपने फील्ड में पड़ा हुआ है, वो काम कर रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिला। कहीं ना कहीं यूपी को लोग इंडिया में मैं कहूँ या बाहरी में कहूँ तो पिछड़ी नज़र से देखिए, वो देखते हैं कि यूपी में क्राइम, लोग कहते हैं क्राइम है तो शायद टैलेंट ना हो, तो वहाँ के लोग ऐसे ही, तो एक सही प्लेटफॉर्म उन लोगों को नहीं मिलता। दूसरा मैं ये कहूँगा यूथ के लिए कि यूथ आजकल ये चाहता है कि एक अगर कोई सिंगर ही है उसकी अगर हम बात करें तो अगर उसने एक गाना गा दिया तो वो चाहता है सीधा मैं अजीत सिंह बन जाऊँ या मैं नेहा कक्कड़ बन जाऊँ, तो वो एक संग सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, वो पेशेंस उन लोगों के अंदर भी नहीं, वो सारी चीज़ें एक साथ पाना चाहते हैं, तो हमें काम करते रहना चाहिए और अपने फील्ड में लगातार उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। अगर कोई अगर हमें मंजिल पानी है तो काम तो करना होगा, ये नहीं है कि आज मैंने एक काम कर दिया तो तुरंत वो मंजिल मुझे नहीं, तो नाम कमाने के लिए काम तो। तो मेरा आखिरी सवाल जाते जाते आपसे ये है कि धनक मीडिया फाउंडेशन आप तक पहुंचा है, एक इनिशिएटिव लेके कि ब्रिजवुड के नाम से हम यूपी का कल्चर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उस बारे में आपकी क्या सोच? ये बड़ी खुशी होती है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा माय गुड विशेस ऑलवेज धनक एंड यार, तो बड़ा अच्छी एक इनिशिएटिव आपने लिया है कि ब्रज को लेके, ब्रज भूमि जो बड़ी पवित्र भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और उसको जानते सब हैं, लेकिन आज तक जो मुकाम उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, तो अगर आप इस तरह का कोई अगर इनिशिएटिव आप लेके चल रहे हैं और आप ले रहे हैं तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें मैं हर दम हर पल आपके साथ हूँ, जहाँ भी आप मेरी मदद ले सकते हैं आप मुझे लीजिए, मुझे यूज कर सकते हैं तो यूज भी आप कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि चलिए कोई तो है जो हमारे कल्चर के बारे में सोच रहे हैं। आज हम देखते हैं हरियाणा राजस्थान, वहाँ का फोक कल्चर आप देखिए, उसको कितने सिंगर्स वहाँ से आते हैं, हरियाणा से देखिए कितने सीरियल्स हम टीवी पे देखते हैं कि हरियाणा के कल्चर को लेके ही वो बन गए, यूपी का ऐसा कोई कल्चर हम क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं, कहाँ हमसे कमियाँ रह रही हैं, तो अगर आप उस चीज़ के लिए कोई काम कर रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप आगे। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत 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 इंस्पिरेशन मिली है आपसे, और बस इतना कहेंगे कि हम हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा है, आप ऐसे ही काम करती रहिए, अपना परिवार का और हमारे भारत का नाम आगे लेके जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है, और जाते जाते आपको ऑटोग्राफ जरूर रखें। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही खूबसूरत मुलाकात हिमांशु जी के साथ, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। मैं प्रगति चौहान धनक मीडिया से फिर से आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।